सिया का धन्यवाद करते हुए उसे बाएं बोलकर रूहान सिंघानिया मेंशन से चला गया। रूहान के जाते ही सिया ने रूठी हुई दादी को मनाने के लिए सुबह के ब्रेकफास्ट की सभी तैयारियां कर ली और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सिया तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। इधर दादी अपने कमरे में बैठकर रूहान की बताई हुई बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या सच में इस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या सच में मेरे पोते की शादी एक अपवित्र लड़की से हुई है? मेरा पोता ऐसी कुल्टा से शादी कैसे कर सकता है? दादी यही सब सोच रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ राघव सिंघानिया मेंशन से निकलकर विक्रम के साथ एक पुरानी सी फैक्ट्री में पहुंच गया था। ये फैक्ट्री राघव के पापा की छोटी सी फैक्ट्री थी जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी थी। राघव और विक्रम फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी से नीचे आए और फैक्ट्री के अंदर आए। फैक्ट्री के गेट पर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जिनके हाथों में बंदूक थी और वो गेट के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। राघव को देखते ही इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी गर्दन झुकाते हुए राघव को सलाम किया और दोनों ने झट से गेट खोल दिया। गेट के अंदर से राघव जैसे ही फैक्ट्री के अंदर घुसा तो वहां चारों तरफ ऐसे ही बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जो राघव को देखते ही अपने गर्दन झुकाकर उसे सलाम कर रहे थे। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को इग्नोर करते हुए राघव और विक्रम इस फैक्ट्री के एक कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचता ही राघव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और सामने कुर्सी पर बैठे रस्सियों से बंधे एक आदमी के पास जाकर उसकी तरफ घूरने लगा। फिर राघव ने उस आदमी का कोलर पकड़ा और उसे जोरदार छांटा लगाते हुए चिल्लाकर बोला, तूने तो कहा था कि तू अपनी बहनों का इकलौता भाई है और तेरे माँ बाप की इकलौती औलाद, तो फिर ये तेरा दूसरा भाई कहाँ से पैदा हो गया? जल्दी बता सूर्या, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यहाँ कुर्सी पर बंधा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि सूर्य देशमुख था, जिसने सिया के साथ जबरदस्ती की थी और उसके इल्जाम में राघव को जेल पहुंचा दिया था। राघव ने सूर्य को मारा नहीं बल्कि उसे इस कमरे के अंदर बंद करके रोज टॉर्चर करता था। राघव को देखते ही सूर्या डर से बुरी तरह कांपने लगा। राघव को देखकर वो इतने बुरे तरीके से डर गया कि उसकी पेंट गीली हो गई, लेकिन राघव ने उसकी तरफ ध्यान दी बिना उसके कोलर को पकड़ा और उसे जोर से हिलाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है सूर्या, मैंने तुझे आज तक जिंदा इसलिए रखा कि तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है? नहीं, मैं तुझे जिंदा रखकर उतना ही दर्द देना चाहता था जो तूने एक पल में मेरी सिया को दिया। मैं चाहता तो तेरा सर वहीं धड़ से अलग कर देता जब मैंने तुझे पकड़कर यहां बंद किया था, लेकिन अगर मैं तुझे वहीं मार देता तो तुझे उस दर्द का एहसास कैसे होता जो दर्द मेरी सिया को दिया, और आगे भी तुझे ऐसे ही दर्द मिलते रहेंगे। आज तो मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। सूर्या, जल्दी बता कि ये सुमेर देशमुख कौन है, वरना तू जान से जाएगा। राघव के इतना कहते ही सूर्या ने अपने दोनों हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, नहीं राघव, मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने कहा, ना, मैं अकेला हूं, अपनी माँ का इकलौता बेटा, और वो सुमेर देशमुख कौन है मैं नहीं जानता, और मैंने सिया के साथ भी कुछ गलत नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। हाँ, मैं वहां आया था तुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन मैंने सिया के साथ कुछ नहीं किया। यार राघव, सूर्या के इतना बोलते ही राघव अपने दांत पीसते हुए सूर्या के मुंह पर जोरदार पंच मारा और चिल्लाते हुए बोला, नाम मत ले मेरी सिया का अपनी गंदी जुबान से, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। और रही बात उस IPS सुमेर देशमुख की, तो मैं पता करके ही रहूंगा कि तू झूठा है या सच्चा, और अगर मुझे पता चला सूर्या की उस सुमेर देशमुख से तेरा कोई भी लेना देना है तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकता। राघव सूर्या से सच जानना चाहता था, लेकिन सूर्या IPS सुमेर देशमुख को अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था। राघव को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए राघव उससे सच उगलवाने के लिए उसे पंचिंग बैग की तरह पीटे जा रहा था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है, उस दिन राघव और सिया के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी जिसमें फाइनल ईयर के लगभग सभी स्टूडेंट शामिल थे। उस पार्टी में राघव, सिया, नंदिनी, सूर्या और विक्रम सभी शामिल हुए थे। सूर्या उस समय कॉलेज का छठा हुआ बदमाश था जिसका एक ही काम था, आते जाते लड़कियों को छेड़ना और उन पर भद्दे कमेंट पास करना। इसी वजह से सूर्या राघव के हाथों से कई बार पिट चुका था, इसलिए सूर्या ने राघव से बदला लेने के लिए सिया पर बुरी नजर रखना शुरू कर दी।
वैसे सूर्या जानता था कि अगर वो राघव के सामने सिया को छेड़ेगा तो राघव उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उस पार्टी में सूर्या में राघव से बदला लेने के लिए राघव और सिया की ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। ड्रिंक्स पीने के बाद जब राघव और सिया अपने होश खोने लगे तो सूर्या ने राघव को सिया के साथ कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाने की सलाह दी। उस वक्त राघव नशे में था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सूर्या की बात मानकर सिया को लेकर ऑडिटोरियम में आ गया। वहां आते ही सिया और राघव दोनों बेहोश होकर गिर गए। सूर्या को तो बस इसी बात का इंतजार था। राघव को बेहोश पाकर सूर्या ने सिया के साथ जबरदस्ती की और उसके बाद राघव के कपड़े और उसका ब्रेसलेट उतारकर सिया के पास रख दिया ताकि सारा इल्जाम राघव के सिर आ जाए। सिया भले ही राघव से प्यार करती थी लेकिन उनके बीच कभी भी जिस्मानी संबंध नहीं थे, इसलिए सिया ने जब नशे की हालत से उठकर अपने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि राघव बिना कपड़ों के उसके पास लेटा हुआ है। इसलिए सिया ने राघव को ही अपने साथ हुई जबरदस्ती का मुजरिम मान लिया और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया। सिया के बयान पर पुलिस ने राघव को बेहोशी की हालत में गिरफ्तार करके उठाकर जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद राघव को जैसे ही पता चला कि उस पर सिया के साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम है तो राघव ने तुरंत इस बात का पता लगाया कि सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला शख्स कौन है। राघव को जैसे ही सूर्या के बारे में पता चला तो उसने जेल में रहते हुए वहाँ के कुछ गुंडों को पैसे दिए और रातों रात सूर्या को मुंबई शहर से गायब करवा दिया। उस समय पुलिस इंस्पेक्टर जाधव वहाँ का इंचार्ज था। जैसे ही जाधव को पता चला कि सूर्या को गायब करवाने के पीछे राघव का हाथ है तो उसने केस को रफा दफा करने के बदले राघव से पैसे मांगे, लेकिन राघव ने इंस्पेक्टर जाधव को पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए इंस्पेक्टर जाधव ने सूर्या को मृत घोषित करते हुए उस इल्जाम में राघव को फंसा दिया। लेकिन सबूत और गवाहों के मध्य नजर रखते हुए राघव को बरी कर दिया गया। लेकिन इंस्पेक्टर जाधव ने राघव से बदला लेने के लिए उसे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की योजना से मीडिया के सामने घोषणा की कि राघव ने एक मामूली झगड़े के चलते अपने कॉलेज के एक निर्दोष लड़के सूर्या को गोलियों से भून दिया और अपने पैसों के बलबूते पर अपने आप को बरी कर लिया। इंस्पेक्टर जाधव के इसी ऐलान की वजह से राघव पूरी दुनिया के सामने एक गैंगस्टर बन गया और लोग उससे डरने लग गए। राघव चाहता तो पूरी दुनिया को सूर्या की असलियत बताकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता था, लेकिन राघव अपनी सिया की इज्जत को सरेआम नहीं उछालना चाहता था, इसलिए सिया की इज्जत बचाने के लिए राघव एक गैंगस्टर बन गया। क्या आईपीएस सुमेर देशमुख सच में सूर्या देशमुख का भाई है या कोई और? क्या राघव सुमेर देशमुख की असलियत जान पाएगा? क्या राघव की दादी सिया के बारे में सब कुछ जानने के उसे अपने घर की बहू मान पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।